नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा और स्वागत करते हैं आपका द एंगल में। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, पुलिस नहीं लेगी वाहन के जरूरी दस्तावेज। राज्यपाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव भर्ती व नियुक्ति पर लगाई रोक, भर्ती में अनियमितता की मिल रही थी शिकायतें। ACJM कोर्ट ने खारिज किया आरोपियों के खिलाफ सरकार का केस वापस लेने का प्रार्थना पत्र, 2007 में नेशनल हाईवे जाम करने का मामला। और गड़बड़ा सकती है प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी सोमवार से हड़ताल की चेतावनी। अब आपको यात्रा करते समय या फिर घर से निकलते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर जैसे कागजातों को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कीजिए और आपका काम हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सत्यापन के लिए दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी न लें। IT एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों से कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी सत्यापन के लिए न ली जाए। मंत्रालय का कहना है कि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मान्य माना जाएगा। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव के 5 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया व ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। यह फैसला अनियमितताओं की शिकायत के बाद किया गया। राज्यपाल ने कुलपति प्रोफेसर RK कोठारी से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने तक 19 बिंदुओं पर 21 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी में हाल ही उपकुल सचिव पद पर राकेश राव, राजकुमार जैन, कुलदीप मिश्रा, अरविंद शर्मा व श्रुति शेखावत का चयन हुआ है। राज्यपाल की ओर से कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए। इस प्रकरण में यदि कोई नियुक्ति आदेश जारी कर भी दिए हैं तो किसी को भी कार्य ग्रहण न कराया जाए। यह रोक राजभवन द्वारा मामले की रिपोर्ट लेकर जांच पूरी होने तक रहेगी। CBI मामलों की ACJM कोर्ट ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर लगाए गए राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अदालत ने 31 मई 2007 को चंदवाजी थाना इलाके में नेशनल हाईवे 8 को जाम करने के मामले में राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिसमें जनहित का हवाला देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया था। कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे को खुलवाने के लिए प्रशासन को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा था, फिर भी रास्ता नहीं खुला। ऐसी घटनाएं देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इससे दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। मामले के अनुसार चंदवाजी थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2011 को 22 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। बारिश के मौसम में वायु प्रदूषण सबसे कम रहता है, लेकिन जयपुर बरसात में भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। जयपुर ही नहीं, जोधपुर, अलवर, कोटा, पाली, भिवाड़ी जैसे 6 शहरों की हवा फेफड़ों और सांस के लिहाज से देश में सबसे जहरीली हो गई है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे जयपुर से 4 गुना आबादी वाले महानगरों से भी जयपुर का वायु प्रदूषण दुगुना ज़्यादा पाया गया। जयपुर की हवा सबसे जहरीली सुबह 6 से 8 बजे और शाम 4 से 6 बजे रहने से ऑफिस गोइंग लोगों, प्रातः भ्रमण करने वाले वॉकर्स और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबसे घातक है। त्वचा और आंखों को खराब करने वाले PM10 पार्टिकल फिर भी कम है। जयपुर में भी शास्त्री नगर, बनी पार्क, सिंधी कैंप, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी और VKI तक के इलाकों में सर्वाधिक प्रदूषण है। दूसरे नंबर पर अजमेरी गेट, पुलिस कमिश्नरेट, टोंक रोड और आसपास के इलाके हैं। जयपुर में सबसे कम प्रदूषण आदर्श नगर, जवाहर नगर, सिटी कॉलोनी और आसपास के इलाकों का है। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों पर दोहरी मार देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए 2 से 2.5 घंटे तक लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस समय अस्पताल में रोजाना 5,000 से ज्यादा का आउटडोर चल रहा है, जिसमें से 3,000 मरीज तो केवल मौसमी बीमारियों के हैं।
मरीज किसी तरह रजिस्ट्रेशन काउंटर की कतार से पीछा छुड़ाते हैं तो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लगना पड़ता है। दरअसल अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मौसमी बीमारियों के लिए अलग से कोई आउटडोर नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन मरीज से रजिस्ट्रेशन के 10 रुपये का शुल्क भी लेता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों रुपए की कमाई भी होती है। लेकिन इस राशि को अन्य कार्यों में खर्च कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कंप्यूटर की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। जयपुर डिस्कॉम ने घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और आम जन को बड़ी राहत दी है। आवासीय भूखंडों पर निर्मित आवासों में संचालित हॉस्टल्स को डिस्कॉम ने राहत देते हुए विद्युत की घरेलू दर लागू करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों को 5 से अधिक कमरे किराए पर देने पर लागू अघरेलू दर की शर्त को भी समाप्त कर दिया है। डिस्कॉम चेयरमैन आरजी गुप्ता ने बताया कि आवासीय भूखंडों पर निर्मित आवासों में संचालित हॉस्टल जिनमें विद्यार्थी पेइंग गेस्ट या किराएदार के रूप में रहते हैं और ऐसे आवासों में मीटर व सब मीटर लगे हुए हैं तथा इनका उपयोग घरेलू श्रेणी में ही किया जा रहा है, ऐसे हॉस्टलों पर अब घरेलू विद्युत दर लागू होगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट अपनी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यूएस अग्रवाल को ज्ञापन भी सौंपा था। मांगों पर कोई सकारात्मक रूप सामने नहीं आने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष रवि जाखड़ और संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश महला ने बताया कि उनकी मुख्य मांग सीनियर रेजिडेंटशिप का समय 1 साल ही रखने की है, जबकि अभी यह समय 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया जाता है। गाँव में नहीं जाने के चक्कर में डॉक्टर यह समय बढ़ाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि इस कारण नए डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंटशिप करने का मौका नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार हिंदू बहुल गांव के मुस्लिम नाम बदल रही है, इसके पीछे कारण भी अनूठा बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कई गांवों के लोगों की शिकायतें थी कि गांव का नाम मुस्लिम होने के कारण हिंदू युवाओं की शादियों में अड़चन आ रही है। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर से ही इन गाँवों के नाम बदलने का प्रस्ताव आया था। सरकार ने केंद्र से ऐसे 27 गांवों के नाम बदलने की मंजूरी मांगी है, इनमें से 8 के नाम बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। अधिकतर मुस्लिम नाम वाले गांव हैं। किसी भी गांव का नाम बदलने के लिए पंचायत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राजस्व विभाग को भिजवाती है। इसकी पुष्टि करने के बाद राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाता है। अनुमति मिलने के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। छोटी काशी के बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी नारायण बाई जी मंदिर में नौका विहार की झांकी सजी। मंदिर महंत पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में सुबह ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद ऋतु पुष्पों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में नौका विहार की झांकी के दर्शन भी हुए। श्रावण के महीने में चारों ओर हरियाली छाई रहती है, सभी लोग विशेष रूप से बाग बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं। महिलाएं वन सोमवार मनाती है और उसमें विभिन्न तरीके के उत्सवों का वो आनंद लेती है, झूले झूलती है। उसी तरीके से भगवान की भक्तों की भावना रहती है कि हमारे ठाकुर जी को भी उसमें समावेश हो। इस दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बड़ी चौपड़ स्थित मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण धाम में आज से 5 दिवसीय ठाकुर जी के उत्सवों का आयोजन प्रारंभ हुआ है। आज ठाकुर जी के विशेष रूप से नौका विहार की झांकी हुई है, जिसमें ठाकुर जी नौका में बैठे हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐतिहासिक क्रिकेट संघों की सदस्यता बहाल करते हुए कहा कि इन्होंने देश के क्रिकेट इतिहास में बड़ा योगदान दिया है। शीर्ष अदालत ने मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों की 27 सदस्यता इस आधार पर बहाल कर दी कि इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने BCCI के नए संविधान के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय के खेल के प्रति योगदान और प्रतिभा को निखारने में भूमिका के कारण उनकी 27 सदस्यता भी बहाल कर दी। राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। इस बुलेटिन में ये थी खास खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।